मुकेश पटेल नाम के व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। 15 तारीख को शाम दिन मंगलवार शाम को पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ होती है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसको पैर में लगती है। मारे यहाँ हाईवे लगे बताए हैं दानेपुर के बगिया के। अच्छा, ये गलत बताई दी है। अब पकड़े यहाँ खेतों से बताई दी है, हुआ से है मार के गोली पकड़ रही। ये जब हिया का काटे जाते तो कोको जो पुलिस ले आए आए हैं तो उस रही कहेगा हमारे गांव में आवे चाहे आवे चाहे नहीं। हाँ, मार के ऊपर सब बयान दे दे चाहे भैया तू करे रहा चाहे ना करे रहा, मेरा मार के ऊपर सब कहीं अपने ऊपर आरोप लाई ले ही। तो आप लोगों का क्या कहना है? हम तो कहते हमारा जवान लड़का फंसावा गवा है बस। नमस्कार, हमने पिछली रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि किस प्रकार से प्रयागराज के सोराव थाने क्षेत्र के उसराही गांव में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया था, किस तरीके से 3 अक्टूबर की रात उसके साथ घटना घटी और 4 तारीख को उसकी जो शव है वो धान के खेत में मिला। हमने उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाई थी। अब उस मामले का खुलासा हो चुका है। पुलिस के मुताबिक कहना है कि मुकेश पटेल नाम के व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। 15 तारीख को शाम दिन मंगलवार शाम को पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ होती है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसको पैर में लगती है, फिर से उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। आज हम उसी मुकेश पटेल के घर पे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुकेश पटेल के परिवारजन हैं। आइए इन्हीं से सुनते हैं आखिर मुकेश पटेल के जो आरोप है वो कितने सच हैं, परिवार वालों का क्या कहना है मुकेश पटेल के ऊपर लगे आरोपों का, क्या कहेंगे? आपका बेटा पकड़ा गया है, वो पुलिस के ऊपर तमंचा फायर किया है, फायरिंग की गई है, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, उसको गोली लगी है। अब भैया जान गोली लाग बा मोबाइल में दिखाए आए हमें नहीं वह देख के तो कहीं हाँ तो अम्मा जान बढ़ते जहाँ भैया का हमारे अब रात दिन तो मार के दें तो निकू कई डाए हैं चारे के पौरुक ना ही बटे जहाँ गोली मारे हैं वहाँ बोतल धरे रहें गाजर धरे रहें एक पुरान बंदूक धरे रहें भैया का हमारे कहन भागा यहाँ से अब लड़का है ये एहन मार के तो गुड़ गुड़ करे हैं भागी हैं कहाँ से। हाँ, अब उन जवान बटे एकाक पलक जरूर हिम्मत करके गाँव हुई ही वही गोली मार दे हैं। कितने तारीख को पुलिस पकड़ती है? अब भैया तारीख पर कौन है हमारे मोबाइल पर कौन है? अच्छा, कहाँ से मुकेश पटेल को पुलिस पकड़ी थी? सड़क के बगल, सड़क के बगल, सड़क के बगल धान खेत में धान का जोत रही। हाँ, सड़क के बगल ही से धान ढो रहे हैं, उठे पकड़ ली। कितना बजा रहा होगा? 4 बजा रहा है शाम को 4 बजे। हाँ, संध्या में 4 बजा रहा। कौन कौन लोग थे खेत में? माई पूते रहे दुकानी हम लोग बस वही खेत में पुलिस आई उसको पकड़ के ले गई। कहा ले जाता है बेटाना का धान सट के मारे हाथ टूट बटे कहा ले जाता है तो कहन की आवत है तनिक काम बस सुन ले तो पहले फिर गाड़ी बैठा दुपहिया पे और चार पहिया तनिक बेर आए फिर पे बैठा दे। अच्छा, हम तो साइकिल उठा लीजिए साइकिल बिंच लाई गए हैं साइकिल पास है वही बिंची पास से साइकिल पटा दे भाई के वह चटाई बिछा के धान गा जाते हैं। अच्छा, हाँ साइकिल उठाए हम साइकिल क्यों ना ही देखे हम कहा यान क्यों बताए कि तो हर साइकिल क्यों लाई गए हैं देखबे नहीं भाई हम तो कहाँ जाए पुलिस साइकिल ले गई। हाँ, साइकिल उठा ली साइकिल। जिस तरीके से पुलिस का आरोप है कि पुलिस का कहना है कि वो फायरिंग किया था, क्या पहले वो बंदूक बंदूक चला भाई हमें लोग की बंदूक कहाँ भा कहाँ पाओ बंदूक कट्टा कहाँ पाओ हमें लोग तो खुद गरीब मना यही कहाँ पाओ खा बैठ खुद कहाँ मिली खाई हुई काम करते हैं काम करते रहा है जात रहा काम करे फिर आवत रहा छुट्टी पाई के खाना खाए घरे मरत रहा एक दिन दुर्गा पूजा ना देखेगा। उसके ऊपर आरोप है कि उसने 8 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसको मारा। हाँ, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अब नहीं लोग जाने भैया जो का सच्चाई है कौन गलत बा कौन सही बा मार के ऊपर सब बयान दे दे चाहे भैया तू करे रहा चाहे ना करे रहा मेरा मार के ऊपर सब
कहीं ही अपने ऊपर लाई गई ही। तो आप लोगों का क्या कहना है? हम तो कहते हैं हमारा जवान बा लड़का फंसा हुआ गवा है बस। वो ऐसा नहीं किया है, ऐसा काम नहीं करे। जब हम जाना तो ही पिछवाड़े जब तट्टी करे नहीं जाते संझा के काम में पास है सब दिन और हम करो करी करे तो ब्याह शादी हो जाए तब बाप के लिए टट्टी करे जाबे तो कैसे हम जाने के हुआ बगिया में जाए। और कहा भैया जब हिया के काते रहते तो कुकुर जो पुरुष लिया आए रहे तो उस रही कहेगा हमारे गाँव में आवे चाहे नहीं हाँ जौने दिन रहास मेरी लड़की का तो वह दिन कुकुर पुरुष लिया आए रहे तो हमारे गाँव में आवे चाहे जहाँ काते वहाँ कुकुर जात है ना तो कहे उधर गवा हमारा गाँव छोड़ दे। पुलिस का ये आरोप है, पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में उसकी बकायदा फोटो आई है, वो साइकिल पर बच्ची को बिठा करके लाया है। हाँ ये हमारे सोने भैया हमारे ये सोने कैमरा में जान बस साफ नहीं आएगा साइकिल से पकड़े हैं साइकिल से खाली पकड़े हैं चेहरा पहचान नहीं है सीसी कैमरा में चेहरा नहीं आए बात चेहरा नहीं आया बस उधर साइकिल से पकड़े साइकिल से पकड़े रहा है वो रोड पहले रहा पिया पिया बांधे रहा है हमारा बच्चा उज्जर उज्जर अनोछा बांधा था और जौन बटे जिनका पैंट पहले रहा और आधी बाहे का वह जौन बनियान चली। ये सारे कपड़े हैं मुकेश के पास? वो नहीं पुजसवान ले गए हमारे घर से घुस के। जिस कपड़े की बात की गई है क्या मुकेश के पास वैसे कपड़े थे? वो नहीं ले गए वह बनियानी रहा है बनियानी है उसी बनियानी रहा वो नहीं ले गए बाद में उठा लेकिन पुलिस आने घर में घुस के उठा लेकिन हाँ उठा लेकिन कपड़ा। क्या मुकेश दारू पीता था गांजा पीता था नशा करता था? अरे भाई दारू भाई जाती कहा नहीं है दारू भाई पिया तो गांजा ज्यादा नहीं पीते गांजा पीने के निकलता है गांजा खाली दारू के पिया थी दारू पिया थी यही छुल गांजा गांजा नहीं पी। कितने साल का रहा होगा मुकेश? अब भैया अब साल तो हम होगा नहीं आवा 21-22-25 साल का शादी हो गई थी उसकी शादी नहीं हुई थी नहीं शादी भाई लाए शादी। कौन कौन है मुकेश के घर में? सिर्फ हम ही हमारा आदमी बा एक लड़का बा पतोह बा। अच्छा अब चार जने खुल जाए उनका उनका पकड़ लेंगे चार आदमी घर में बात में बस की। तो आप लोगों का कहना है कि पुलिस आप वो मुकेश के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है? गलत है मुकेश ने कोई ऐसा काम नहीं किया। अब वह भैया तो का मारे है तो ना जो बटाई बयान दे मार के ऊपर बयान दे है मार के तब उनसे बयान दे है मार के ऊपर से बयान दे हैं आए पूरा पूरा भैया हमारे अपने मोरे बयान दे दे हैं आए मार के ऊपर से। नहीं अकेले हिम्मत कैसे कर डाली वैसा काम ऐसा काम कैसे कर जाए अकेले जब वो टट्टी करे पिछवाड़े अकेले कैसे करी पहली बार जाए तो कैसे बगिया में जाए अकेले देर से जब नहीं कहता अकबर पछवा जिंदा उस पर खेते होते उस उम्र पे मैं का क्या देखा देखा कैसे कहा थी देखा चाहिए। हाँ एक ऐसा संगीन आरोप जो मुकेश पटेल पर लगा है जिस तरीके से पुलिस ने पूरे घटना को बताया उससे सभी के रोंगटे खड़े हो जाना है। लेकिन जब हम मुकेश पटेल के घर पे पहुंचते हैं मुकेश पटेल की माँ और उनके परिवार वालों का बयान सुनते हैं जब इनकी बातें सुनते हैं तब ये सवाल फिर से खड़ा हो उठता है कि क्या पुलिस ने सच में एक गलत व्यक्ति को पकड़ा है या फिर ये लोग गलत बोल रहे हैं। आखिर क्या है पूरे मामले की सच्चाई ये तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। जिस तरीके से पुलिस ने कहा है कि मुकेश पटेल पहले बच्ची को साइकिल पर बिठाता है फिर उसको मुंह दाब करके बेहोश करता है उसके साथ दुष्कर्म करता है उसके हाथ तोड़ता है पैर तोड़ता है लेकर के जिस तरीके से DCP गंगा पहाड़ ने बताया है उसको सुन करके सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं 4 साल की बच्ची के साथ कौन इतना बड़ा दरिंदा है कौन इतना बड़ा हैवान है जो बच्ची के साथ इतना बड़ा कांड करता है। ये थे मुकेश पटेल के परिवार वालों इनका सीधे से कहना है कि इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। शाम को 4 बजे STF आती है धान के खेत से मुकेश पटेल को लेकर के जाती है और उसके बाद आप लोगों को कब खबर लगी कि मुकेश पटेल की और पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और उसको गोली लगी है?
ओ कार है कार जोन बा सवेरे जोन मोबाइल में कहने भैया तब मालूम भवा सवेरे सुबह मोबाइल से पता हां तब मालूम भवा। अच्छा आओ मारे हैं हाईवे के लगे बताए हैं दानेपुर के बगिया के। अच्छा हां ये गलत बताई दी हैं और पकड़े हैं खेत से बताई दी हैं हुआ से है मार के गोली पकड़े हैं ये तो गलत बोल दे हैं ना पकड़ के धान धान के धान का जाता था पकड़ लगे गए नहीं खेत से पकड़े धान के खेत से बता हां बता रहे हाईवे पर से पकड़े ही बताए हैं और पकड़े धान के खेत में धान गाजत रहा है। अच्छा हां धान उठा उठा है गाजत रहा है बेंजन चला गया साइकिल वो बैठा दी पहिया पे निकल चल पहिया फिर बैठा ले है और फिर का जवान आए साइकिल उठाए लेकिन साथ साइकिल पर उठाए जिस तरीके से बच्ची के साथ गलत हुआ है क्या कहेंगे उसके आरोपियों की कैसी सजा मिलनी चाहिए बताओ। 8 साल बच्ची के साथ जो हुआ है क्या उसके जो आरोपी होंगे मामा का जोन वो बाटे अबे हमारे बच्चा को फंसाए मान लीजिए आपका बच्चा नहीं है कोई और है कोई और है तो उसके साथ क्या चाहती है अब कैसी कार्रवाई हो अब जब सिर काटे पकड़ा जाए पकाते तो हमारे बेटा हराए थे वो साले का कातिल बन रहा है मारे रहे देखा था उन्होंने भाग गए बाद में 2 दिन के बाद कौन 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 रे भाव जब मारे थे ना कुछ नहीं भाव जब भाव बन गए मार मार भागा कुछ भाव नहीं भाव तो वैसे फिर मार कौन भाग गए हुए तो भाई न पता चले ना उनका कौन हुआ क्या हम कहा दे भैया जब हमार लड़का काटे रहा था कोई हमारे घर आवत काहे उसका नहीं गवाह है। 3 तारीख को आपका बच्चा कहाँ था नवरात्रि के पहले दिन भैया पहले से काम लगाए रहा है काम में जाता है रहा। रात को कहाँ था घर रहा था घर घर पे रहा नवरात्रि के प्रथम दिन घर पे था वो घर पे जब नवरात्र लग घर पे रहा नहीं नवरात्रि के पहले दिन काम से आवे खाना खाए भाजी पानी पियावे खाए को रात जाए था का मना रहा है वो रात जाए पहले दिन कहीं चौराहे पे नहीं नहीं एक दिन साइकिल बनवाते हैं बिगड़ रहा चौराहे का रहा है एक दिन सिरे पड़ा रहा है आवत आवत ओके कहूँ काम लगाए रहन अवन जोन बफुलवरिया के मिस्त्री है नहीं संगे काम हमारा बेटवा करा था। कई तारीख की बात है कुछ याद है भैया तारीख परीख हम बेद औथा का मना यही ना हमने मोबाइल चलावे के सहू बा ना हमका दिन तारीख अच्छा पुलिस कब उठाई है कुछ कोई दिन कुछ तो याद होगा एतवार सोमवार मंगल अभी इतना ना हमने खिया 2 दिन भर 3 दिन भर 4 दिन भर कई दिन भर अच्छा पूछ ले चला चल पूछ लो लागे जिस दिन भंडारा था 10वीं के दिन 10वीं के दिन भंडारा वाले दिन हाँ जिस दिन भंडारा गाँव रहा पुआसिघर में उस दिन पड़े उस दिन कल गए पुआसिघर के भंडारा दिया उस दिन भंडारा उस दिन कल गए 4 बजे एक तरफ पुलिस के द्वारा बताई गई पूरी घटना की कहानी है तो दूसरी तरफ इन परिवार वालों की जुबानी आपने सुना कि क्या है पूरा इनका कहानी इनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के हम सुनवा रहे थे मुकेश पटेल के परिवार वालों पे। अगर जो कोई भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले अगर मुकेश पटेल ने ऐसा कार्य किया है तो उसको कानून के द्वारा सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। महज 8 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से कांड किया गया है उसके आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमारे बताइएगा जरूर। धन्यवाद।